नमस्कार। आज हम जिस कहानी का पाठ करने वाले हैं वह है वापसी। लेखिका उषा प्रियंवदा। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। दो बक्स, डोलची, बाल्टी, यह डिब्बा किसका है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा, बाबूजी को पसंद थे। अब कहां हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेही, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अगोचे के छोर से आंखें पोछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। दो बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिसे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह की आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सुनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी के स्नेहपूर्ण बातें याद आती। दोपहर में गर्मी होने पर भी वह 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसे स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोल कर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गद रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दुहरी हो रही थी।
अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविदोप में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना, तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौकी में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीका है, लाइए चीनी और डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही है। पत्नी आकर चौकी में बैठ गई। उन्होंने नाक भौ चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में झूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरिया और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर न की। क्या मजा कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पिटते पिटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता, बहू क्या किया करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है, तुम हो तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रही। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है,
कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त वहां घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करो तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थाई प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की तीन कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब है, किसका पेट काटो। यही जोड़ गाठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों में कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनकी मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित ही है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रुखा था। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर
छत की ओर ताकने लगी। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फुला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ाई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और चार पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है? कमाने वाला हार्ट तोड़े और यहाँ चीजें लूटे? मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओठ बीच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निकल ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया? अरे, आता तो सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से, शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ, लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठने की जगह नहीं है। अमर को तो अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फुहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्रायः यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए।
पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइया और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़ कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चीर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंघाड़ उनके अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा, उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में विदेख और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल न देंगे। यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे, अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी के तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं भूले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वह कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह दो वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है।
गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनके हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पीसने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजिल के चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा, खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं, पत्नी ने सकपकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यही रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मटरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना। बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मटरियों को कटोर दान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। धन्यवाद।